दोस्तों देख पा रहे हैं, बीनू जी हैं बढ़िया खा रही हैं, अब बोले काफ़ी टेस्टी है, भूख हमारी जग हुई है, देख पा रहे हैं दोस्तों बहुत खूबसूरत जो है महक आ रही है, ऐसा लग रहा है मटन बन रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग सहजन की सब्जी और सहजन की कढ़ी बना के आपको दिखाया था, लेकिन आज हम लोग बनाने वाले फाइनली अंडा, और देख पा रहे बीनू जी बढ़िया उबाल के रखी है अंडा और आलू की कढ़ी बनाने वाले, अंडा और आलू की कढ़ी, अंडा आलू कढ़ी। ओके, तो दोस्तों आपने अंडा कढ़ी जरूर खाया होगा, लेकिन अंडा आलू कढ़ी पता नहीं खाया ना खाए होंगे, तो हम लोग आज वही दिखाने वाले हैं कि कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आलू और 2 अंडे, ये सब्जी 1 लोग के लिए बन रहा है। ठीक है, देख पा रहे 2 ठंडा है, 7 आलू, यानी 1 लोग की सब्जी बन रही है। ये आलू मेरा उबला हुआ है और ये बीनू जी बढ़िया छील रही है आलू को। वाह क्या बात है, ये किचन है, किचन के जस्ट बगल में बीनू जी बैठ के आलू छील रही हैं और एक छील के रख दिए हैं यहाँ पे, 3 छिला गया। मेरी आलू पूरी तरह छिल के रेडी हुई है, देखिए सातों आलू वाले अंडा। दोस्तों ये वाले आलू जो है तो ओरिजिनल आलू है, बाकी ये डुप्लीकेट है लाल पटना। और ये बीनू जी अंडा छील दी, तो ये अंडा जो है छील के हो गया रेडी। 2 अंडे, 7 आलू रेडी। तो ये पेंसिल है, पेंसिल से काट लेते हैं टमाटर। टमाटर तो दोस्तों ये टमाटर कट के हो गए रेडी, ये काट रही है देख पा रहे हैं, इसमें काटने में बड़ा आसानी होता है, मस्त कटता है, ये रेडी हो गया। अब काटने वाली हूँ प्याज, टमाटर कट गई है, ये छिल गया प्याज, प्याज भी कट के रेडी हो गया। दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं बीनू जी प्याज काट रही हैं, रो रही हैं, ये आलू टमाटर प्याज रेडी, तो ये छीले हैं बीनू जी बढ़िया लहसुन। चलिए बनाते हैं, ये किचन में चलते हैं फटाफट, बनाइए खाना, भूख लगी है। ये पहुंचा है किचन में रख दिए हैं, अब करेंगे स्टार्ट गैस। दोस्तों बटन टूटा है इसलिए बटन घुमा रही हैं, अगर गैस ये जल गया, ये चढ़ गया कढ़ाई, ये गोल्डन तेल है दोस्तों देख पा रहे हैं, 1 cc यहाँ पे रखा है रिफाइंड का, फिलहाल रिफाइंड का तेल डालेंगे इसमें, ये डाल दें बढ़िया तेल, इतना तेल हो जाएगा ना फिर और डाल लिया जाए। तो दोस्तों देख पा रहे हैं किचन में बैठी हैं बीनू जी, बैठी नहीं है, बजा रही है बाजा, और इनका गला देख पा रहे हैं पूरी तरह से बैठ चुका है, क्या जी आवाज ही नहीं निकल रही अच्छे से। तो पहले दोस्तों अंडा आलू फ्राई कर लेते हैं, अंडे पकने के बाद आलू, 2 अंडे एक साथ पक जाएगा। दोस्तों अंडा जो है फ्राई हो चुका है पूरी तरह से, फिलहाल अंडा निकालते हैं, ये निकाल के बढ़िया रख दिए उसी में जहाँ आलू रखा है, अब फिलहाल आलू फ्राई कर लेते हैं। क्या बात है दोस्तों, आलू फ्राई हो रहा है देख पा रहे हैं, हाँ आलू फ्राई हो रहा है, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं बीनू जी बढ़िया आलू फ्राई कर रही हैं, इनका गुड आइडिया, ये देख पा रहे हैं, क्या बात है ना दोस्तों, अंडा करी आलू जो बन रहा है, अंडा आलू की करी, इसलिए जो है अंडा बढ़िया फ्राई हो रहा है। और क्यों कर रहे हैं आप फ्राई बताइए, पहले सब्जी बनाने के लिए, ओके बनाइए। तो मसाला हम लोग को कूटना है, एक गिलास निकाल लिए, ये डाल दिए मिर्च, लाल मिर्च इतना सारा डाल दिए, ये डाल दिए लहसुन, अच्छा। ये डाल दिए बढ़िया प्याज, इसी से करेंगे कुटाई, कुटिए कुटिए कुटिए, ये हुई ना बात। दोस्तों आलू भी बढ़िया पूरी तरह से हो चुकी है फ्राई, इसको हम निकाल देते हैं फटाफट। तो देख पा रहे हैं मसाला इस तरह कुटाई हो चुका है, मिक्सर न होने की वजह से कुछ इस तरह हमें समस्या हो रहा है, फ्राई पूरी तरह से हो चुका है, फिलहाल इसे बीनू जी निकालती हैं, ये हुई ना बात, एक भी नहीं लग रहा है कि अंडा है कि आलू है, ये देख पा रहे हैं। डाढ़ा पहले डालेंगे तेज पत्ता, तेज पत्ता हो गया, तेज पत्ता का टेस्ट अलग होता है। प्याज, प्याज डाल दिए, वाह क्या बात है, देख पा रहे दोस्तों एकदम बुलबुला मार रहा है। ये डाल दी टमाटर, डाढ़ा ब्राउन हो चुका इसलिए अब डाल देंगे दोस्तों देख पा रहे हैं बढ़िया जो है टमाटर सब कुछ फ्राई हो रहा है मसाला, जब तक पकाएंगे जब तक टमाटर पिघल ना जाए। अच्छा अच्छा दोस्तों देख पा रहे हैं टमाटर जो है बढ़िया पिघल चुका है, अब इसमें डालेंगे बढ़िया मसाला, अब ये वाला मसाला डाल देते हैं इसमें जो हमने कूटा था, ये थोड़ा सा हल्दी डलवा देते हैं, ये हुआ, ये कौन सा मसाला है, ये इसमें सभी मसाला मिक्स है, मिक्स है ना, मिक्स मसाला, अब मसाला को अच्छी तरह से फ्राई कर देते हैं। ओके दोस्तों बहुत खूबसूरत जो है महक आ रही है, ऐसा लग रहा है मटन बन रहा है।
इसमें डालेंगे पानी। अब इसमें डाल देते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार पानी, जितना आपको जरूरत होगी। वाह क्या बात है, ये करी है दोस्तों, करी पड़ जाए दोस्तों। तो एक डब्बा और डाल देते हैं बढ़िया, ये भाई ना बात। बस इसके बाद डालेंगे दोस्तों इसमें बढ़िया सा नमक एक चम्मच, जितना आपको चाहिए हमको एक चम्मच की जरूरत। एक चम्मच डाल दिए दोस्तों, देख पा रहे हैं हम डाल रहे हैं, दो टमाटर डाल दी, ये सारे आलू डाल देंगे, दो चार तीन सात, एक ड्रम खा लिए हैं। अब इसमें डालेंगे चिकन मसाला। वाह ये चिकन मसाला है दोस्तों, ये डाल दी बढ़िया चिकन मसाला। इसको अब बढ़िया ढक देती हैं, ये क्या बात है, पक जाए 15-20 मिनट। तो मैं 5 मिनट बाद आया हूँ और देख पा रहे हैं कुछ इस तरह पलक रहा है। वाह लग रहा है थाली ऊपर फेंक देगा। खोलते हैं फिलहाल इसे, ये चम्मच ले लिए और इसी से ये साइड में पकड़ के ये, तो दोस्तों देख पा रहे हैं कुछ इस तरह पलक रहा है अंदर। वाह पक रहा है दोस्तों एकदम। तो आ चुके हैं किचन में और देख पा रहे हैं हमारी सब्जी जो है अंडा करी बन चुकी है, अंडा आलू करी। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर बनी है। ग्रेवी देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल रस्सेदार नहीं है। चावल भी खाने में बहुत मजा आएगी, चावल हमारे ऑलरेडी बन चुका है, चले निकालते हैं इसको बंद करते हैं। ओके दोस्तों सब्जी पक के रेडी और अपना थाली भी लग चुका है, सब्जी देख पा रहे धुआं निकल रहा है, चलो इसे टेस्ट करते हैं। तो ये हैं देसी खाना खाने वाले, देख पा रहे हैं इतना खाना लेके बैठे हैं आप सोच नहीं सकते हैं, मतलब 3-4 लोग खा सकते हैं, 2-3 अंडा लिए हैं और 5-6 आलू। और ये देख पा रहे हैं ये देसी सनाई है दोस्तों, इस तरह सान लेंगे बढ़िया। ये कवर हो गया, ये हुई ना बात। कैसा टेस्ट है बताइए? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना। चलिए धन्यवाद, मौका मिलेगा तो अंडा करी जरूर करेंगे, अंडा आलू करी। ओके दोस्तों देख पा रहे हैं बिनो जी हैं बढ़िया खा रही हैं, बोल रहे हैं काफ़ी टेस्टी है, भूख हमारी जग हुई है, देख पा रहे हैं इनको खिला रहे हैं। क्या बेटा गुड मॉर्निंग, बेटा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हंस रही हैं। फिलहाल दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, आप भी कभी ट्राई करिएगा बढ़िया आलू फ्राई करके अंडा फ्राई करके, और इस ब्लॉग को एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।